आज फिर तुम यहाँ कैसे? I don't know what's happening. आज शूट चाले छे. अरे रियलिटी शो मा हूँ साले से. जय. हाँ जी. आपको बच्चों के साथ हैं आप. हाँ जी. अब आप बच्चों को हैंडल करना सीख लीजिए. बड़ा प्यारा नजारा था और बड़ी प्यारी सिंगिंग दोनों की. थैंक यू. शातिक ने अपना किशोरदा के स्टाइल में गाया. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो किया था ना. हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया. और आरोही ने नाजुक नाजुक गाया, फीमेल स्टाइल जैसा होता है उसमें. गॉड ब्लेस यू बोथ. ज्योतिका को बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत जोड़ी आपने बनाई है. थैंक यू. और कितना खूबसूरत
गाना आपने चूज किया है। हालांकि इनकी उम्र के लिए ये गाना बहुत हैवी गाना है, लेकिन इतनी प्यारे ढंग से इन्होंने गाया है। मेरी एक छोटी सी एक एडवाइस रहेगी ज्योतिका के लिए। जी सर। शातिक बिकॉज बीइंग अ बंगाली वो थोड़ा सा ना रा को ड बोलते हैं, राइट? तो वो थोड़ा सा ना आप उस पर थोड़ा सा और वर्क कराइए। जी सर। बाकी अदरवाइज इतना स्वीट लगा, इतना क्यूट परफॉर्मेंस लगा। ओरिजिनल गाना भूल के मैं इनका वर्जन सुन रहा था, जो कि इस वक्त के लिए सबसे बेस्ट वर्जन मुझे लगा। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। सोचते ही रह गए। शिकारा, मेरे ख्याल से इस जॉनर में आपसे बेहतर यहाँ पे कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं रह नहीं पाया, मुझे लगा कि आपको
आपका गाना ख़त्म होने से पहले आपके हुनर पे मोहर लगा देनी चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, आपका जो ये परफॉर्मेंस था ना, वो लोग बार बार देखेंगे, डाउनलोड करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपके इस परफॉर्मेंस से। शिकायना कैसे गा लेती हो इस तरह से? मतलब एक लाइन में वन वर्ड इन फॉल्सेटो, वन इन रियल। बैठिए जान जा। माय गॉड, इट्स समथिंग दैट सीम्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू, लेकिन ये इसने करके दिखाया। शिकायना बहुत रेयर कोई ऐसा आर्टिस्ट जो इस तरह की गायकी इतने प्यार से और इतने सफाई से गा सकता है। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीर्वाद। तुमने वो फिल्म देखी है शोले, उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उसी तरह मैंने बड़े से बड़े आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस देखे हैं, लेकिन इस शो में बार बार मेरे आइकॉनिक शोले वाले परफॉर्मेंसेस का रिकॉर्ड आप लोग तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो। इतना ग्रेट सिंगिंग करे जा रहे हो, माइंड ब्लो। एक बात मैं कहना चाह रही थी, ये आपका जो भाई है अनोश, इसको गाने का बहुत शौक है लगता है। हाँ जी। Does he sing as well? Yes. इतने प्यार से गा रहा था और उसका इंटरेस्ट इतना है। अनुष, कुछ गाओगे? Yes. Yes. आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ, अपनी बहन के साथ थोड़ा सा कुछ सुना दो। बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह। चलो फटाफट कुछ सुना दो। स्केल क्या? F sharp minor. ओह। F sharp minor, very good. Musician है ना? क्या सुनाओगे बेटा? मेरी सपनों की रानी। क्या बात है? कहाँ है? यार एक बात तो जानने को मिली आज। हाँ जी। हमारा सुपरस्टार सिंगर का जो ये मंच है, इसमें हम बहुत सारी बातें सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्कार हम शेयर कर रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर किसी को योडलिंग सीखनी है तो मैं समझता हूँ ये जो परिवार है इससे सीखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा इतनी कमाल की योडलिंग कर रहा है। सर सल्यूट है आपको, क्या बात है। अनुष, मैं तुमको ना थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, सीखोगे? सीखूंगा। और हम दोनों साथ में गाएंगे। ठीक है। गॉड ब्लेस, लव यू। थैंक यू। क्या बात है। सो जोरदार ताली हो जाए अनोज के लिए। एंड थैंक यू सो मच शिकायना, थैंक यू सो मच। ये वो है जो तब तक अपने बालों के एंटेना को खड़ा रखेंगे जब तक सलमान के रोंगटे ना खड़े कर दे। असली योद्धा शोएब अली विद असली ही मंशा रखने वाले उनके कैप्टन नितिन कुमार।
क्या बात है, दे देना। वाह। कोई हसे तो तुझे कम लगे, ओ तेरी हसी ना लगे, क्या बात, का दिल लगी भी तेरे, दिल को दिल ना लगी, तू रोज रोया वाह, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। उड़ती उड़ती अखियों के लड़का पैच लड़का वे गीत लगा के मजा देती है जीने की सजा देती है रब्बा, झूठी मूठी पौधे सुन के सुन के जलावे बुझावे बुझावे जलावे ओए मोमबत्तियां, जलावे बुझावे बुझावे जलावे ओए मोमबत्तियां, ओ उड़ती उड़ती अखियों के लड़का पैच लड़का वे गीत लगा के बराबर 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 झूम झूम बराबर बराबर उड़ती उड़ती अखियों के लड़के पैचे लड़के दे ठीक लगा के झूम झूम झूम
एक्सक्यूज मी सलमान, मैं और कुछ नहीं कह रहा था। एक सेकेंड। सलमान, अब आपकी बारी है, तो बताइए कि अगले परफॉर्मेंस में आपकी क्या चाल होने वाली है। मेरी टीम में से है एक बहुत ही सुरीली मेरी कंटेस्टेंट तपोल आबधा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी आवाज में ना एक अजीब सा मैग्नेटिज्म है, एक खींच है, खींचती है अपनी तरफ आवाज। अगेन मेल सॉन्ग लेके आपने गाया है उसको, तो जैसे शिकायना यूनिक है अपनी तरह से, वैसे आपका भी, आपकी भी जो क्वालिटी है वॉइस की वो यूनिक है। मुझे नहीं लगता आपके जॉनर की या इस तरह की आवाज की सिंगर्स कोई हैं। और आज मुझे अच्छा लगा, एक अच्छी लगी एक बात कि आपने जब शुरू किया गाना तो आपके फेस पे स्माइल थी, जो कि रहती नहीं है नॉर्मली। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चलाए तू। ऐसा क्यों है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है जैसे आप बुझी हुई सी, दुखी, उदास, सीधे खड़े हो।
सीधे खड़े हो, स्माइल करो. You are an excellent singer, you are talented. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.